हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है तुम लोग के? तो स्टूडियो में अपन लोग बात करेंगे राम से तो विस थैंक गॉड के कलेक्शंस के ऊपर। तो गाइस देखो, बॉलीवुड की इस साल में जितनी भी मूवी आई है ना, एक लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप गई है। क्योंकि गाइस देखो, बॉलीवुड अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती बॉलीवुड की मूवीज़, उसी तरफ साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ भाई साहब भोकाल बिछा रखी है। 1200-1300 करोड़ कमा के इनके मुँह पे कतई चप्पल जूते मार के जाती है। तो गाइस आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अभी लेटेस्ट मूवी जो कि रिलीज़ हुई थी, राम से तो विस थैंक गॉड मूवीज़ के कलेक्शंस के ऊपर। तो गाइस देखो, इन दोनों मूवी ने भी खास कुछ उखाड़ा नहीं है बॉक्स ऑफिस पर अभी तक, क्योंकि इनको 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर लगे हुए, थिएटर्स में लगे हुए। और भाई साहब इनका कलेक्शन जानोगे ना आप बॉलीवुड के मुंह पे मुत के जा रहे कुत्ते, टोटली बॉक्स ऑफिस को घंटा हिला नहीं पा रहे ये लोग। तो गाइस बात करेंगे इस मूवी के कलेक्शंस को लेकर। तो देखो गाइस, राम सेतु का बजट था लगभग 150 करोड़, और इसने कलेक्शन किया है अभी तक टोटली वर्ल्ड वाइड मिला देना आप लोगों को, वो होता है 75 करोड़। तो भाई लोग तुम समझ सकते हो, आप 150 करोड़ से सीधा आधा करोड़ भी, 75 करोड़, यानी आप अपना आधा बजट भी रिकवर नहीं कर पाए ये लोग। तो तुम समझ सकते हो कि बॉलीवुड की इमेज किस गटर में गिर चुकी है। तो भाई लोग देखो, इनको उठाने के लिए अब आए पठान। तो गाइस पठान ही कुछ 2023 में कुछ उठा पाएगा या फिर इनको सीधे उठा के ले जाएगा, वही देखने वाली बात होगी। तो गाइस आते हैं थैंक गॉड के कलेक्शंस पे। तो गाइस इस मूवी का बजट भी बताया जा रहा है लगभग 60-70 करोड़ के बीच में, और इसका कलेक्शन जानोगे ना आप एकदम चौंक जाओगे, बोलोगे जुबा केसरी, अक्षय कुमार जुबा केसरी की ऐड करेंगे भाई साहब, ऐसा कलेक्शन करेगी मूवी। तो आते हैं इसके कलेक्शंस पे। तो गाइस इसका टोटल कलेक्शन हो चुका है 39 करोड़, 40 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है। तो तुम सोच सकते हो अक्षय, अजय देवगन, बोलो जुबा की श्री बोलेंगे ना ऐसा कलेक्शन आएगा। तो गाइस तुम्हारे क्या ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लौंडो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय।